गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इज एफ टू एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ऑल्सो। ओके, नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। बच्चों, आज की वीडियो में कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क के बारे में तो डिस्क्राइब करेंगे ही, साथ में जो हमने पीछे जो लैन मैन पैन और वैन को पढ़ा था या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए हैं। तो उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर पुट अप करिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो में इंतजार करिए क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं NIC, दैट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब साइड में हमने इसीलिए पिक्चर्स भी लगा दी। अब पिक्चर्स को देख करके बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि एक्चुअली में NIC होता क्या है। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर NIC। अब NIC क्या होता है? NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड इज प्रोनाउंस NIC, यानी कि हमको NIC भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे NIC भी कहते हैं। NIC इज अ कंपोनेंट दैट प्रोवाइड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ फॉर अ कंप्यूटर। अब ये क्या करता है कि ये एक कंप्यूटर को आपके जो कंप्यूटर कैपेबिलिटीज हों या नेटवर्क कैपेबिलिटीज हैं उसको प्रोवाइड कराता है। इट मे बी इनेबल अ वायर्ड कनेक्शन और अ वायरलेस कनेक्शन, यानी कि इसको आप अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप एथरनेट केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। एथरनेट आपकी केबल होती है एक, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट कराते हैं। ओके, सो व्हाट इज द NIC, एक्सप्लेन इन कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हब एंड स्विच। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हब एंड व्हाट इज स्विच? स्टूडेंट, हब और स्विच जो होते हैं वो देखने में लगभग एक ही जैसे आपके दिखते हैं, बस इनमें क्या होता है कि स्विच में थोड़े कम पोर्ट्स होते हैं और हब में ज़्यादा पोर्ट होते हैं। तो ये बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी, ये होते हैं हमारे पोर्ट्स। ये देख रहे हैं, ये ब्लैक जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ उसको आप देखिए, ये होते हैं हमारे पोर्ट्स। अब इन पोर्ट्स पे ही हम अपने केबल्स के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अब इनको करते क्या, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है। ओके, नाउ वी कैन चूज डार्क कलर। अब ये कंप्यूटर है हमारा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक केबल तैयार करेंगे, उस केबल को ले जा करके अपने कंप्यूटर में जो CPU में है, या आपका मान लीजिए अगर लैपटॉप है तो उस लैपटॉप में जो है उस लैपटॉप में यहाँ पे कुछ होगा, तो उसको इस तरीके से कनेक्ट करा सकते हैं और इसको इस तरीके से ले जा करके ऐसे कनेक्ट करा सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए लैपटॉप को भी कनेक्ट करा पा रहे हैं और कंप्यूटर को भी कनेक्ट करा पा रहे हैं। तो हब और स्विचेस का काम सेम होता है, ठीक है। अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउ टू कनेक्ट मल्टीपल पीसीज टू अ सिंगल नेटवर्क। अब सिंगल नेटवर्क मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर वो लगा हुआ है, या आपके यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उस सर्विस प्रोवाइडर से आपकी केबल आई हुई है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है। अब सर्विस प्रोवाइडर से आपके पास इंटरनेट एक माध्यम से आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से इतने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर 1 हो गया, ये आपका कंप्यूटर 2 हो गया, ये कंप्यूटर 3 हो गया, ये कंप्यूटर 4 हो गया, ये कंप्यूटर 5 हो गया, और ये 6 और ये 7। तो इस तरीके से आप अब एक नेटवर्क से एक ही नेटवर्क से एक साथ आप 7 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकते हैं। यही फैसिलिटी होती है आपके हब और स्विच की। अंडरस्टैंड? टेक नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज अवर राउटर। अब भाई राउटर का क्या काम होता है? देखिए, हब और स्विच का क्या काम था, वो केबल के माध्यम से आपके सिस्टम्स को कनेक्ट करते थे। यानी कि मान लीजिए कि एक कोई केबल कनेक्शन है, आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर आपके एक केबल आपको भेज रहा है, उस सर्विस प्रोवाइडर से केबल के थ्रू आपने राउटर को कनेक्ट कर लिया, सॉरी
हब को कनेक्ट कर लिया और उस हब से केबल के थ्रू अलग अलग सिस्टम को कनेक्ट कर। लेकिन यहाँ पे राउटर जो प्रोवाइड करता है ये आपको एज अ वाईफाई सिग्नल के थ्रू काम कराता है, यानी कि आपको वायरलेस काम कराता है। तो राउटर, अ राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेजेस बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये क्या करता है कि राउटर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डाटा को डाटा के पैकेट्स को भेजता है। अ पैकेट इज टिपिकली फॉरवर्डेड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर थ्रू द नेटवर्क दैट इज कंटिन्यू एज इंटर नेटवर्क एग्जाम्पल द इंटरनेट अंटिल द रीच इट डेस्टिनेशन नोड। दैट मीन्स कि आपका जो राउटर होगा वो राउटर जब सिग्नल्स को शेयर करता जाएगा और जब तक वो दूसरे राउटर तक पहुंच नहीं जाते हैं वो सिग्नल्स वो डाटा पर्टिकुलरली चलता रहता है। सो नेक्स्ट वन इज अवर मॉडम। अब मॉडम क्या काम करता है, मॉडम भी देखने में लगभग राउटर जैसा ही दिखता है। तो मॉडम इज अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉडम जो होता है आपका शॉर्ट फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। इट इज हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ टू अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइसेस सच अस राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यहाँ पर ये राउटर क्या करता है, ये मॉडम क्या करता है, मॉडम ही आपका अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट कराता है। ये मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे सिग्नल्स जो हैं वो निकल रहे हैं, इस तरीके से आपके जो सिग्नल्स हैं वो निकल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपका पीसी यहाँ पर है, आपका पीसी यहाँ पर है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको केबल से कनेक्ट करिए, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, आप उसको बहुत ईजीली तरीके से एज अ वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। यही फैसिलिटी होती है आपकी मॉडम की। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हब। ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी टेक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन चैनल। सो बच्चों हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। कम्युनिकेशन चैनल, अ कम्युनिकेशन चैनल रेफर इधर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर और टू लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम सच एज रेडियो चैनल एंड टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि आप किन किन चैनल्स के माध्यम से कम्युनिकेट हो सकते हैं। पहला तो ट्रांसमिशन मीडियम है, जैसे कि आप वायर से अपने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, ये आपका वायर्ड हो जाएगा, इसको ट्रांसमिशन मीडियम वायर हो गया आपका, यानी कि वायर के थ्रू आप अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा मल्टीप्लेक्स मीडियम। वायर में क्या होगा कि वायर में आप एक समय पर एक ही डाटा एक ही कंप्यूटर को सेंड कर पाओगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम, दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, अपने डाटा को अपनी इंफॉर्मेशन को एक समय पर कई सारे लोगों को भेजना है। तब हम क्या करते हैं, अब हम लॉजिकल कनेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति बैठ करके आपके कई सारे टीवी स्क्रीन्स पर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन। ओके, नाउ फर्स्ट इज सर्वर। तो अब सर्वर क्या होता है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। सीधी सी बात यही समझ लीजिए कि सर्वर क्या है, सर्वर एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा कंप्यूटर है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा स्टोर होता है और हम वहां से उस डाटा को एक्सेस करते हैं। अब सीधी सी बात अगर हम समझें इसको, तो जो हमारा कंप्यूटर गूगल है, गूगल तो सभी को पता होगा है कि क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जब भी हम पढ़ाई क्लास लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछो बच्चे फटाक से गूगल करते हैं और आंसर दे देते हैं, सर मेरा आंसर सही है। बच्चों अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल की सहायता लेना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को ही गूगल बनाइए। ओके, और इसी बिना गूगल के यूज़ के बताइए कि हमने पहला क्वेश्चन जो पूछा था इस वीडियो में वो क्या है, उसका आंसर भी दीजिए। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि ये आपका गूगल है, आप कुछ भी गूगल कर लेते हो। ओके,
एक वेबसाइट के थ्रू आप कुछ भी गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कई सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, उनमें कई सारे अनेकों प्रकार का डाटा जो है वो फीड है। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से इस सर्वर से जा करके अपने डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। आप समझ में, हमें मान लीजिए कि यहाँ पे पूछना है व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क। तो अब यहाँ पे व्हाट इज नेटवर्क हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, गूगल ने क्या किया, वो अपने सर्वर के पास गया और सर्वर पे देखा कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे है, उसने निकाल के आपको प्रोवाइड कर दी। तो ये काम होता है सर्वर का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है बताने की तो जरूरत नहीं है, सभी यूज करते हो है और हर टाइम यूज करते हो, चलिए कोई बात नहीं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ सैटेलाइट और सम अदर मीडियम। व्हेन मेनी सच नेटवर्क्स अक्रॉस द ग्लोबल आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड इंटरनेट। नहीं समझ में आया ना, सीधी सी बात समझते हैं। अब देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, मान लीजिए कि हम कुछ शहर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कानपुर, ओके ये हो गया आपका कन्नौज, ओके ये आपका हो गया मान लीजिए कि दिल्ली हो गया आपका, ठीक है दिल्ली हो गया, और ये मान लीजिए कि आपका आगरा हो गया। अब यहाँ पर इसको इससे कम्युनिकेशन करना होता था तो कैसे करता था भाई, ये लेटर भेजता था जिसको आने में लगभग 30 दिन तो लग ही जाते थे। हाँ तो इसको यहाँ से कम्युनिकेशन करना है, इसको यहाँ से कम्युनिकेशन करना है, इसको यहाँ से कम्युनिकेशन करना है। तो इन सब कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने डाटा को शेयर करने के लिए जब ये यूज़ करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो नेटवर्क के माध्यम से, हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने फाइल्स को, अपने चीज़ों को, डाटा को बहुत आसानी से शेयर कर पाते हैं। तो अब क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम मान लीजिए कि एक कंप्यूटर में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है और दूसरी यहाँ पे, कंप्यूटर नहीं समझ में आएगा अगर आप लोगों को हम बताते हैं, सीधी सी बात। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हैं चंदन, ओके हाँ चंदन तो समझ में आएंगे, चंदन भाई साहब क्या कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई, यहाँ पर राघव है, राघव भी अपना फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहे हैं, तो चंदन ने यहाँ से मैसेज सेंड किया और वहाँ पे राघव को रिसीव हो गया, ओके। अब चंदन ने, राघव ने उसको पढ़ा, वो यहाँ पर मोहन के पास भेज दिया, मोहन ने सोहन के पास भेज दिया। अब ये क्या हो रहा है कि यही इसी तरीके से वो देखो, ये मैसेज जो है पहले इसके पास पहुँचा, इससे इसके पास पहुँचा, इससे इसके पास पहुँचा, और ये अगर चाहेगा तो ये दूसरे को भेजेगा, दूसरा इसको भेजेगा। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से नेटवर्क सा बंदा चला जाता है। तो इंटरनेट कुछ इसी तरीके से काम करता है, यानी कि जहाँ पर आपकी एक नेटवर्क से एक डिवाइस या एक कंप्यूटर या अलग अलग कंपोनेंट जब उससे जुड़े हुए होते हैं उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं, ओके। नाउ वी टेक अ वर्ड www या वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को हम तीन तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका www, लेकिन इसके अलावा हम इसको W3 के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बच्चों मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है टू, व्हाट इज नेटवर्क, आपको बताना है कि व्हाट इज नेटवर्क, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर दीजिए हमें। सो अब यहां पर ये देखिए W3 भी इसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फाउंड ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एग्जांपल इंटरनेट, यानी कि जो आपकी www है एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है और जहाँ पर हम जाकर के अपनी चीज़ों को फाइंड करते हैं। इसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि आपके www ने ही दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा था, ओके, और इसको हम W3 भी बोलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड नोट कर लिया है,
व्हाट इज नेटवर्क। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। और हम दूसरा ले लेते हैं वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस द वेब एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। आईटी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर अगर हम सीधी सी बात बोलें कि जैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, आप askme.com यूज करते हैं, yahoo.com यूज करते हैं, तो ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं जो यहाँ पर आप अपने डाटा को, अपनी चीज़ों को सर्च करते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके, बिंग आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, ठीक है, तो बहुत सारे आपके जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एडेज आता है, गूगल का गूगल क्रोम आता है, तो इस तरीके से ओपेरा मिनी आ गया, यूसी ब्राउजर हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, उसी को हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। सो व्हाट इज वेब ब्राउजर? यहाँ पे लिखा है गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। सॉरी, वेब ब्राउजर तो एक्सप्लेन हो गया है, गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो गेन एक्सेस द इंटरनेट यू नीड अ कंप्यूटर, अ मॉडम एंड रजिस्ट्रेशन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर SP। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर पे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो सबसे पहली चीज हमें एक कंप्यूटर चाहिए होगा, एक मॉडम चाहिए होगा और एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा हमारी उस कंपनी से जिसका हमें इंटरनेट चलाना है। सीधी भाषा में समझो, आपके पास फोन सबके पास है तो आप किस कंपनी का इंटरनेट यूज कर सकते हैं? अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है तो आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वोडाफोन कंपनी है। एयरटेल का सिम है तो एयरटेल कंपनी है। जियो का सिम है तो जियो कंपनी है। यानी कि अगर बेसिकली माना जाए तो आज के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं। और जियो हमारा क्या है, अगर हम जियो का सिम से इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो जियो ही हमारी ISP कहलाएगा। ओके, नाउ अब जो होता है ISP आप समझ गए होंगे, ठीक है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। यानी कि जो सर्विसेज हैं हमारी वो इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों ऐसी कंपनियां जहां पर हम ISP, यानी कि ऐसी कंपनियां जो या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो भाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो दो ही प्रकार से होती है। फ़ोन में तो वायरलेस कनेक्शन रहता है, कोई भी वायर लगा के फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलाते हैं, तो फ़ोन में वायरलेस कनेक्शन होता है। लेकिन बेसिकली हमारे कंप्यूटर में दो तरीके की कनेक्टिविटी होती है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। अब वायर्ड क्या होता है कि भाई अगर आप मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वायर के थ्रू किसी केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो अब वो वायर्ड कनेक्शन हो गया। अगर वाईफाई के माध्यम से चल रहा है तो वायरलेस हो गया, सीधी सी बात है। सो क्वेश्चन नंबर वी टेक अ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। व्हाट इज हब? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। और हब तो सारे हमने पूछ लिया है। और व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क? यहाँ पर आपको बताने हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, नेम ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हमने आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब वायर्ड कनेक्शन में हम बात कर लेते हैं। डायलअप कनेक्शन यूजिंग मॉडम, यानी कि डायलअप कनेक्शन होते हैं, जो डायलअप कनेक्शन इज अ स्लोअर कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि एक आपको नीड क्या क्या होती है इनके लिए। सो अ मॉडम एक्सटर्नल और इंटरनल डिटेक्टेड टेलीफोन लाइंस। अब ये क्या होते हैं, या मॉडम के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं आपके इंटरनल या एक्सटर्नली, या फिर आपके एक टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट विद द प्रॉपर सॉफ्टवेयर,
और एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको इसमें इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए। और जब आपको इंटरनेट चलाना होता है तो आप एक नंबर को डायल करके उसको कनेक्ट कराते हैं। ये पहले चलता था, अब इसको बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। सो चलिए हम चलते हैं और अपना दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। और इसी में वार्ड में एक होता है DSL, जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, नाउ टेक DSL। अब DSL क्या होता है? DSL भी आपका एक वार्ड ही कनेक्शन होता है, वार्ड कनेक्शन ही होता है। ओके, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक फ़ोन कनेक्शन या टू यूज टू टेलीफोन लाइन, यानी कि या तो फ़ोन के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग USB वगैरह से कनेक्ट करते हैं और USB को लगा करके और USB थेरिंग को ऑन करके उससे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, यही आपका DSL कहलाएगा। सो वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट इज केबल कनेक्शन। और केबल कनेक्शन आपने देखी होगी, आप कैफे वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा कि आपकी जो केबल कनेक्शंस होती हैं, यानी कि ब्लू लाइन की केबल होती है जिसको हम लोग इथरनेट केबल भी बोलते हैं, और ये हमारे RJ पोर्ट में लगता है और वो वहाँ जा करके उस केबल से कनेक्ट होता है, और इसी तरीके से हम कंप्यूटर्स को देखते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी टेक वायरलेस कनेक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन, यार कर दिया करो, आप लोग करते भी नहीं हो। ओके, सो चलते हैं और मिलते हैं।